नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी अपने एस्ट्रोलाइफ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने बीच एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, जो कि बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम ज्योतिष के क्षेत्र में कमाया है, और ये ज्योतिष को अध्यात्म से जोड़कर बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी एक विचारधारा है जो उसमें ये अध्यात्म के से जोड़कर ज्योतिष को देखते हैं और उसी से संबंधित विवेचनाएं करते हैं। इनके बारे में मैं, आपने पहले भी इनके वीडियोस देखे होंगे, मिस्टर भावजीत, ही इज फ्रॉम असम। और भावजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भावजीत जी के बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये एक कंप्यूटर इंजीनियर है। इन्होंने चेन्नई से इंजीनियरिंग डिग्री ली और फिर पीजी करने के लिए ये जर्मनी गए और वहीं पर अभी डाटा साइंटिस्ट के रूप में एक कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और उसके साथ ही ये ज्योतिष में इनकी रुचि है, 2002 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तो इनकी उम्र मुझे नहीं लगता 25-26 साल से ज्यादा होगी, लेकिन काफी समय से ये कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है, खासकर जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे हमने भी जब एडोलोसेंस से, ज्योतिष से हम लोग भी जुड़े थे, और जब कोई यंग लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से, और इतने पढ़े लिखे जानकार लोगों को, तो ज्योतिष का भविष्य इस देश में निश्चित रूप से उज्जवल है, ऐसा लगता है। तो बाबूजी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं, और ये मेरा एक ड्रीम था कि आपके साथ एक वीडियो बने, और आज आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, मिल के। लास्ट टाइम भी हमने कोशिश किया था, लेकिन उस टाइम वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाए हम रिकॉर्ड, लेकिन अभी लगता है ग्रह की स्थिति अनुकूल है रिकॉर्डिंग करने के लिए। बिल्कुल, आज अनुराधा नक्षत्र है और अनुराधा में किया हुआ काम जो है कई बार रिपीट भी होता है, बढ़ता है। तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारा एसोसिएशन आगे भी चलेगा। भावजीत जी, सो नाइस ऑफ यू। भावजी जी, आज हमारे जो दर्शक हैं, आपको सॉरी हम थोड़ा ट्रबल दे रहे हैं क्योंकि आप नॉर्मली, आपका इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश बेस्ड, लेकिन हिंदी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफी दिनों से आपके वीडियोस फॉलो करता हूं और बेसिकली मेरी रुचि भी यूट्यूब में आने की आपके और हमारे जो भाई है नितिन कश्यप जी, आप लोगों के वीडियो देख के ही जागृत हुई। तो मेरा बड़ा मन था आप लोगों के साथ वीडियो करने का, उन्होंने भी मुझे वायदा किया है समय देने का, एक वीडियो मेरा आया था उनके साथ। अच्छा। जी, तो आज आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों? हाँ, तो मैं सोच रहा था कि जैसे ज्योतिष के कुछ ऐसे अंग है जिनको बहुत नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जो उसमें से एक है जो डिविजनल चार्ट है हमारे, जो षोडश वर्गत जो कुंडलियां हैं, जो जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है नवांश जो सभी जानते हैं लगभग, और दशमांश भी फेमस है, दशमांश को भी लोग बहुत जानते हैं। लेकिन आज मैंने ये दो कुंडलियों को निकाल दिया है अपने लिस्ट से, ये दो को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सारी कुंडलियों का डिस्कशन करूंगा। जैसे मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने सबसे पहले लिया है द्रेकन चार्ट जो है वो भाई और बहनों के लिए देखा जाता है। तो बहुत बार ज्योतिष में जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा या आपके खुद के घर के किसी सगे संबंधी से कोई आपका प्रॉब्लम होगा, या आपके किसी सगे संबंधी को किसी और चीजों से प्रॉब्लम होगा, या आपके भाई या बहन को, तो आप ऐसा मान लीजिए कि शायद अगर उनका कुंडली आपके पास नहीं है तो आप अपने कुंडली से कैसे निकालेंगे कि क्या समस्याएं हो रही है उनको। तो हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर उनकी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली से निकालें, वो ये अर्थ नहीं है उसका। अगर जैसे मान लीजिए आपके किसी भाई का कोई समस्या हुआ है उनके कार्य क्षेत्र में, तो आपके पास अगर उनका कुंडली है तो आपको उनके कुंडली से ही वो निकालना चाहिए 90%। हाँ, बाकी का जो 10% अंक है वो आप अपने जो द्रेकन कुंडली है उसको दे सकते हो।
हमें कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए हमारे बहन का कुंडली हमारे पास है, तो अगर बहन का शादी कब होगा ये देखना है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सबसे पहले हमें उसका कुंडली देखना चाहिए, अपने भाई का या बहन का। और वहां से जब हमको हमको जो दिखेगा वो हमको हमारे खुद के दृक्कर्ण कुंडली में उसको उसको कंफर्म करना चाहिए, दोनों का तालमेल कैसा है वो देखना चाहिए। लेकिन हम लोग कई बार उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, ओ अच्छा भाई का शादी कब होगा, तो हम दृक्कर्ण कुंडली खोल लेते हैं अपनी, और फिर हमारे घर में अगर वो भाई हमसे छोटा है तो हम दृक्कर्ण कुंडली के तीसरे भाव में देखेंगे कि ओ अच्छा उसका भी तीसरे घर में ये है वो है, तो मैं मान लो उसका मंगल है तीसरे घर में, तो तीसरे का सातवां जो आपका नौवां घर हो गया मान लीजिए उसमें गुरु है और आपकी गुरु की दशा चल रही है, तो आपको लग सकता है कि मेरी गुरु दशा में उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो गुरु आपके भाई के सप्तम स्थान में बैठा है तो इसीलिए वो एक बहुत उसका एक बहुत मुख्य वो मतलब वो क्या बोलते हैं भूमिका निभाएगा आपके बेटे आपके भाई के शादी में ना, तो उस सिरे से उसको देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन आपके जो वर्ग कुंडलियां है वो उस इंसान के जो जन्म कुंडली है उस पे हावी नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ कुछ दिखा वहां कुछ दिखा, आपने ये वाला ले लिया और वो वाला टुकड़ा दिया उनका अपना जो कुंडली है वो ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि वो जो वर्ग कुंडलियां है वो है क्या बेसिकली। तो ये जो जी लग्न चार्ट है ना, जो D1 चार्ट जिसको बोला जाता है, असेंडेंट चार्ट जिसको बोला जाता है हिंदी में, जिसको लग्न कुंडली बोला जाता है, वो एक्चुअली क्या है कि आपके जीवन में बाहरी स्तर पे जो भी चीजें हो रही है वो उससे पता चलता है, लग्न कुंडली से पता चलता है। जैसे मान लीजिए पांचवा घर आपका एक्टिव हो गया है, पांचवे घर की दशा चल रही है, कोई ग्रह आपके पांचवे घर में बैठा है कि आप पंचमेश की दशा आपकी चल पड़ी है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपके पास संतान आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो संतान खाली आने से थोड़ी होता है कि ये बच्चा पैदा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। वो पूरा बेटा या बेटी का पूरा जिंदगी कैसा जाएगा वो भी देखना होता है। तो आपका जो कुंडली में जो पांचवा घर है, जो लग्न कुंडली है, वो खाली जो जो बच्चे का जो शरीर है ना वो दे सकता है आपको। ओके लेकिन फिर अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको जैसे सप्तांश चार्ट जो है ना D7, उस कुंडली पे आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बच्चों की स्थिति क्या है कैसा है। तो ये मैं बस उदाहरण के लिए बोल रहा था। और कभी कभार आपको वो कोई चीजें दिखेगी जो उल्टी दिखेगी आपको, मतलब कि मान लीजिए आपका जो लग्न कुंडली है उसमें उसमें जो गुरु है, ये गुरु का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं उदाहरण, क्योंकि वो नैसर्गिक कारक है बच्चों का ना, वो पुत्र पुत्र या पुत्री जो भी बोले नैसर्गिक कारक है। तो मान लीजिए जी वो आपके कुंडली में खराब है, खराब स्थिति में है मान लीजिए। लेकिन अभी मान लीजिए आपका जो सप्तांश कुंडली है उसमें मान लीजिए आपका गुरु बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इसका बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, वो निर्भर करेगा गुरु किस स्थिति में खराब है किस स्थिति में अच्छा है यहाँ हुआ, तो वो उसका एक डायरेक्ट आंसर दे पाना मुश्किल है। लेकिन मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि अगर लग्न कुंडली में आपका गुरु ठीक नहीं है या पाप ग्रह के साथ है या दुस्थान में बैठा है या नीच का है, या मान लीजिए अस्त है, सूर्य ने अस्त कर रखा है कंबस्ट जिसको बोलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बाहरी तौर पे आपके जो संतान है उनसे आपके ज्यादा संबंध अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो सप्तांश कुंडली है वो अगर अच्छा है, उसका लग्नेश सप्तांश कुंडली का जो लग्नेश है, जो पहले घर का स्वामी है सप्तांश कुंडली के, वो अगर ठीक है और उस सप्तांश में अगर गुरु ठीक है, तो जी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप दोनों के रिश्ते में सुधार आएगा। तो ये मैंने देखा है।
क्योंकि वो मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था कि वर्ग कुंडलिया क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि वो हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जैसा है ना वैसा होता है वर्ग कुंडलिया। कि ये लग्न कुंडली तो हमारे बाहरी चीजों को बताता है, लेकिन अंदर क्या है वो हमको जानना है, तो वर्ग कुंडलियों में हमको जाना ही पड़ता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, तो मैं एक सेकंड दीजिए मुझे। तो अभी मैं कुछ उदाहरण लेके समझाने का कोशिश करूंगा कि वो कुंडलियों को देखा कैसे जाता है, ठीक है? तो मैं अभी ये जी शेयर जी कर देता हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। तो अभी ये कुंडली मैंने लिया है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, दृक्कांड सिबलिंग्स लिखा हुआ है जिसमें, ठीक हाँ बिल्कुल दिख रहा है, से विजुअल दिख है रहा है स्क्रीन ना? पर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, बढ़िया है। तो अभी इस पे चले जाते हैं। जैसा तो अभी ये जो है ये दृक्कांड कुंडली है, ये किसी एक आदमी का, ये उसका दृक्कांड चार्ट है ये, ठीक है? इसको जैसे डी ओके थ्री बोला जाता है, D3 बोला जाता है इसको। तो ये भाई और बहनों के लिए देखा जाता है, ठीक है? तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि जी जैसा हम कोई भी वर्ग चार्ट जी देखते हैं ना, कोई भी वर्ग चार्ट देखे, हम सबसे पहले उसका लग्न देखते हैं। तो लग्न जब हम देखते हैं तो उसमें जो ग्रह है ना वो बताएगा कि हम जब भी उस रिश्तेदार या उस जगह के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा लग्न में बैठा है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल तो चंद्रमा जो लग्न में बैठा है तो इसका अर्थ ये है कि जब भी ये इंसान अपने भाइयों बहनों के बारे में सोचता है ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा लग्न पे है। और मान लीजिए अगर मंगल लग्न में होता ना, तो इसको क्रोध बहुत ज्यादा आएगा अपने भाइयों बहनों से, हमेशा हमेशा ही होता है वो कि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। और अगर चंद्रमा लगन में है तो चंद्रमा आपको पता है थोड़ा थोड़ा कभी कभार रोना थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसके साथ। तो चंद्रमा का बिल्कुल जो एक स्वभाव है कि उसको सूर्य से वो रोशनी चाहिए होता है, खुद उसके पास रोशनी नहीं होता है। तो बिल्कुल ये मैंने देखा है कि किसी का अगर चंद्र अगर दृक्कांड के लगन में है, दृक्कांड कुंडली, तो वो आदमी हमेशा ये अपेक्षा करता रहता है कि मेरा भाई आके मुझे कुछ देगा, मेरी बहन कुछ देगी ना? तो ये जो इच्छा आकांक्षा है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा मैंने देखा है। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा पहलू है देखने का कि इसको हम कैसे समझे। तो ये तो हमने लगन देख लिया, उसके बाद अभी इसका जो लग्नेश है ना वो देखना पड़ेगा हमें। तो ये 8 नंबर है लगन में, तो ये तो आप देख ही रहे कि इसका लग्नेश कहाँ बैठा है। इसका थर्ड लग्न, हाउस मंगल हाँ, जी इसका लग्नेश जो मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है, और वो गया है तीसरे घर में, उच्च स्थिति में है वो मकर राशि में। जी तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है ये। तो अभी ये अच्छा प्लेसमेंट इसमें हम, एक चीज, एक एक बात में मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा, हाँ बोलिए। जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी से बोल रहा हूं कि केतु को भी वृश्चिक राशि का एक स्वामित्व केतु को भी प्राप्त है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा बाद में जब आपको समय उपयुक्त लगे। हाँ, वो जब हम वो भाव चलित के बारे में बात करेंगे तब कर लेंगे। जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम जैसे मंगल को ले रहे हैं अभी के लिए तो मंगल जैसा तीसरे घर में बैठा है, ठीक है? तो जी अभी जो लग्नेश की जो स्थिति है ना, लग्नेश वो जैसे ग्रह का, वो पूरे कुंडली का राजा होता है लग्नेश, क्योंकि हर एक घर उसका घर होता है। राइट लग्नेश बदल गया तो सब बदल जाएगा ना, कौन ग्रह किधर बैठा है, किस घर का स्वामी। तो लग्नेश अगर दृक्कांड कुंडली का बहुत अच्छे से है, प्लेस्ड है, बहुत बढ़िया प्लेस्ड है अगर, तो
इसके वजह से क्या होता है कि आदमी का जो आदमी वो जो संबंध है ना, जैसे ये द्रेकण है तो भाई बहन, उन संबंधों को निभाने के लिए बहुत तत्पर रहता है कि वो किसी भी हाल में उस संबंध को निभाएगा, वो किसी भी हाल में निभाएगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया तो बोलेगा जा मैं तुझे नहीं देखूंगा आज से, मेरा भाई या मेरी बहन को, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपना संबंध को और बेहतर करे। और ऐसे लोग बहुत समय भी देते हैं अपने भाई या बहनों को ना। तो यहाँ पे क्योंकि वो उच्च का है मंगल, तो इसीलिए मैंने जब भी ये मेरे दोस्त से बात किया है, मेरे दोस्त का कुंडली है अच्छा। तो मुझे हमेशा ही बोलता है कि ये जो एरिया है उसके लाइफ में, ये एक बहुत प्रोमिनेंट एरिया है। जैसा उसका उसके उसकी बहन है, तो बहन से उसका बहुत तालमेल बहुत जमता है, या तो ऐसा बोलिए कि बहुत बहुत चिंतित रहता है वो कि बहन क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, पढ़ाई में कैसा जा रहा है उसके उसकी। जैसा भी थोड़ा बहुत शादी का उम्र हो रहा है बहन का, तो अभी उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहा है। तो खैर ये सब तो सभी करते, लेकिन क्योंकि ये लग्नेश होके उच्च का है, तो ये जो जिम्मेदारी वाली जो बात है ना एक भाई का एक बहन के लिए, वो बहुत ज्यादा है इस आदमी में ना। और आप देखिए, आप अगर देखेंगे जैसे तीसरा घर जो है वो पहला भाई बहन का है, ठीक है। तो इसके घर में दो ही लोग है, ये बड़ा है, उसकी बहन है छोटी। तो अभी तीसरा घर जो देख रहे ये, फिर इसका जो सातवां होता है ना, तो वो उसके पति का होगा, उसकी बहन का जो पति होगा। और अभी आप देख रहे हैं ये 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 चंद्रमा है यहाँ पे नौवे घर का स्वामी, क्योंकि तीसरे का सातवां लगन से नौवा होता है। तो नौवे का जो स्वामी है वो उसके लगन में बैठा है। तो इसका अर्थ ये है कि इसकी बहन का जो पति होगा ना, या इसकी बहन की शादी जैसी चलेगी, वो इसके और उसके बहन का जो संबंध है ना उसमें बहुत उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी शादी अगर ठीक चल गई, अगर अच्छे से जा रही है, तो इन दोनों का संबंध भी बहुत बढ़िया जाए। और अगर शादी में कोई प्रॉब्लम आ गया, दिक्कत आ गया बहुत सीरियस, तो इन दोनों का जो संबंध है ना वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। और ये जो ग्रह बैठा है ना, ये नीच का है चंद्रमा, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ये चंद्रमा नीच का है, तो इसके वजह से ना ये चीज उसको काफी ज्यादा स्ट्रेस या ना बहुत सारा उसको टेंशन दे सकता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, मैं कैसे ठीक करूं इसको। तो खैर ये तो हो गया एक बार। उसके बाद आप फिर द्रेकण कुंडली में हम ये भी देख सकते कि जैसे आप भाई बहनों के साथ रहते किस किस जगह है, आप तो एक घर में ही रहेंगे। तो जैसा घर हो गया, तो हम दो दो घरों को देखते हैं, घर जब बोलते हैं, तो एक दूसरा भाव हो गया, फिर चौथा भाव हो गया। तो दूसरे भाव में देखिए कैसा है। दूसरे भाव में यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, जो कि एक शुभ ग्रह है, हालांकि अष्टमेश भी है। तो बुध क्योंकि बैठा है, तो जब ये जैसे कभी कभार आप देखेंगे, कुछ लोगों का मैंने देखा है कि अगर दूसरे घर में, द्रेकण कुंडली के दूसरे घर में उनका अगर जैसा शनि या केतु ऐसे ग्रह हो गए ना, जो जो बताता है कि उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसा होता है कि जब वो लोग एकजुट होके परिवार में रहते हैं ना, उनके बीच कोई बात ही नहीं होता है। मतलब बड़ा बड़ा चुप सा रहते हैं और ज्यादा बात बात होता नहीं है, क्योंकि वो दूसरा घर जो है वो घर है, मतलब परिवार है, सॉरी घर नहीं है, परिवार है। यहाँ पे जैसा बुध बैठा हुआ है, ठीक है, तो बुध तो हम जानते हैं शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच जो संबंध है बहुत बढ़िया है, जब वो एक साथ रहते हैं, जैसे एक परिवार के बीच में रहते हैं ना, तो इनके बीच में उनका जो तालमेल है बहुत बढ़िया जमता है। और इसके अलावा आप चतुर्थ भाव भी देख सकते हैं। अभी चतुर्थ भाव में क्या है, देखिए यहाँ पे केतु बैठा है,
चतुर भाव जो है वो आपका जैसे दूसरा घर आपका जो परिवार हो गया वो हो जाता है, और चतुर भाव जो आपका घर हो जाता है। तो इनमें एक परिवार का जो वो एक जो संबंध है वो तो बहुत बहुत है इसमें, दोनों दोनों के बीच, ये और उसकी बहन के बीच। लेकिन जो ये घर संबंधी चीज है ना, जैसा मान लो अगर कभी कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ये घर का बंटवारा का बात आया कभी, तो ये जो केतु है ना ये बहुत दिक्कत कर सकता है। तो ये एरिया में मैंने बोल रखा है कि ये एरिया में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये एरिया में हो सकता है आपको समस्या हो आगे जाके। उसके बाद और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि क्योंकि एक ही भाई बहन है, मतलब एक ही बहन है, तो हम पूरे कुंडली को उसके लिए ले लेंगे, क्योंकि अगर दो तीन होते तो उसको देखने का अलग प्रोसीजर है। लेकिन आजकल देखा गया है कि जनरली दो ही बच्चे होते हैं, तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है आजकल। तो अभी अभी ये देखिए, इसका जो दसवां घर है ना, दसवें घर में इसका वो बैठा हुआ है, गुरु बैठा है सिंह राशि का, बहुत अच्छा है वो, और राहु राहु महाराज भी बैठे है वहां पे। ये जो गुरु और राहु जब भी किसी के द्रेकान कुंडली में अगर बैठ जाते हैं ना दसवें घर में, या तो गुरु अकेले बैठे या तो राहु भी बैठे, मैंने देखा है। राहु और गुरु का मैंने खास तौर पे देखा है कि ये लोग ना हमेशा साथ मिलके कोई कोई बड़ा बिजनेस या ऐसा कोई कुछ खोलने के इच्छुक रहते हैं हमेशा दोनों मिलके। क्योंकि ये जो दसवां घर है ना, इसमें इसमें अगर ग्रह होते और खास करके जैसे गुरु और राहु की दोनों विधि के कारक है ना, राहु तो पूरा विस्फोट का कारक है। अभी ये तो अभी इसकी जो बहन है, इसकी इनकी बहन खाना बनाने के बहुत इच्छुक है, एक्चुअली खान पान का बहुत शौक है। तो खान पान कैसे देखेंगे आप, जैसे जैसे ये जैसा ये जो बहन का ये तीसरा घर हो गया ना, उससे तीसरा हम देखेंगे, क्योंकि वो हाथ हाथ का इस्तेमाल जिसमें होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पंचम है, जो कि यहाँ पे उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, शुक्र तो इसकी जो बहन है एकदम फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक नंबर वन कुक है। शुक्र जो है वो ऐसे भी भोजन का कारक है। हाँ वो भी उच्च का, ऊपर से जलिया राशि भी है, ग्रह भी जलिया ग्रह है, जल जल राशि है, जल सब पूरा जल ही है, जल तो पूरा वो सब होता ही है, आपको पता ही है। तो ये एक चीज है, तो इसके वजह से तो हाँ। और अभी क्या हो रहा ना, ये जो दसवां घर है ना, तो अभी इसने क्या किया है, ये इसीलिए मैंने ये कुंडली लिया है, क्योंकि मैं असली में बता सकता हूँ कि जीवन में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं कि बस थेरोटिकली बता रहा हूँ ये ग्रह यहाँ है वहाँ है ये होगा होगा, ऐसा नहीं, कि मुझे पता है कि वो क्या रहा है, इसीलिए ये कुंडली लिया है। तो अभी इनका क्या हो रहा है ना, ये उसकी बहन जो है अभी खाना बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो इसने क्या करा है, अपनी बहन को एक वो ट्रेनिंग दे दिया है किसी जगह में। और अभी अभी इसकी बहन ना वो उसने वो केक बनाना शुरू किया है, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे केक्स केक वगैरह बनाना बहुत पसंद है इसको, तो केक बनाना शुरू किया है। और अभी क्या किया है इसने, जैसे इसका जो लोकेलिटी है ना, इसका जो आसपास पड़ोस है, वहाँ पे अभी जिसको भी किसी का भी जन्मदिन होगा या किसी का मैरिज एनिवर्सरी होगा या किसी का कुछ अच्छा होगा, कोई पैदा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो सब लोग इसको ही फोन करते हैं, बोले मेरे लिए भी केक बना दो पूरा। और ऐसा ये कोई ऐसा वैसा केक नहीं, पूरा एकदम प्रोफेशनल स्टाइल, एकदम पूरा तीन चार लेयर वाला आइसिंग केक बनाती है, बहुत बढ़िया कुक करती है उसकी बहन। तो उसके बाद तो अभी क्या हो रहा है, वो ग्रेजुअली उसके लिए वो थोड़ा बहुत पैसे भी चार्ज करती है, जैसे एक केक का कुछ 600 रुपया 800 रुपया ऐसा कुछ चार्ज करती है। तो धीरे धीरे मतलब ये हो रहा है आराम आराम से, ये धीरे धीरे से हो रहा है। और इसको भी बहन का खाना बहुत पसंद आता है, इसको ये बोलता है कि मुझे इसकी मम्मी का हाथ का खाना जितना पसंद है तो बहन का हाथ का खाना ज्यादा पसंद आता है। मैं क्योंकि ये शुक्र उच्च का बैठा हुआ है तो वो तो पसंद आएगा ही आपको किसी भी हाल में। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि
ये कुंडली कैसी जाएगी। और अगर आप तीसरे से चौथा घर देखें ना, ये सूर्य है यहाँ पे उच्च का, तो ये जो है ये चतुर्थ भाव मतलब आपकी आपका पढ़ाई लिखाई बताता है। तो तीसरे का चौथा मतलब आपकी बहन का या भाई का पढ़ाई लिखाई बताता है। तो जी ये भी यहाँ पे भी एक उच्च का ग्रह बैठा है, तो उसकी बहन का जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत अच्छा गया है, और ये खुद भी बहुत पढ़ाता है उसको, मतलब उसकी जो पढ़ाई का लाइन है वो दूसरा है, ये कुकिंग का नहीं है, लेकिन ये खुद भी बैठ के बहुत पढ़ाता है, ये उच्च का ग्रह बैठा है। और ये भी देखिए ना, इसका भी स्वामी मंगल है जो इसका लग्न से, तो देख रहा है, तो मतलब वो पढ़ाई वगैरह बहुत उसमें बहुत ये एफर्ट डालता है अपनी बहन के लिए। सेल्फ सेल्फ एफर्ट है बहन की पढ़ाई हाँ में। हाँ हाँ तो अभी मान लीजिए ये लग्नेश ठीक नहीं होता ना, ये मंगल अगर मान लीजिए यहाँ बैठा होता कर्क राशि, तो ऐसा होता कि कुछ है चल रहा है, लेकिन ये आदमी उतना उतना घुल मिलता नहीं है अपनी बहन के साथ। बहन है तो है, ठीक है, जो कर रही है, जरूरत पड़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं ये सहायता कर दूंगा, वो मतलब जी एक क्या बोलते उसको, एक जिम्मेदारी जैसा करता, वो मतलब प्यार नहीं होता उसमें, समझे। अच्छा हाँ, लेकिन अभी क्योंकि मंगल उच्च का है तो जिम्मेदारी भी है, प्यार भी बहुत है दोनों, तो ये आपको ये हो गया। आपको कोई प्रश्न वगैरह पूछना है या आप कोई टिप्पणी देना चाहते हैं इस पर? इसमें जैसे आपने ये बताया कि शुक्र, अब अगर उसकी बहन की कुंडली थर्ड हाउस से देखें, थर्ड हाउस उनका लग्न है, तो मकर के लिए तो जैसा हम जानते हैं योग कारक ग्रह शुक्र हो जाता है, और उसी से संबंधित उन्होंने एक तरह से अर्निंग शुरू कर दिया शुक्र की लाइन में। और केक जैसे देखिए नॉर्मल फूड तो नहीं है, एक फैंसी फूड बोल सकते हैं केक, तो शुक्र का काम है वो भी। तो बहुत ही अच्छा आपने चार्ट लिया, एकदम रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस को जी। हाँ, और इसमें अब ये भी मैं बोलना भूल गया, जैसे लग्नेश और तीसरे घर का स्वामी दोनों साथ में बैठे देख रहे हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन ये है दोनों पाप ग्रह है और दोनों एक दूसरे के शत्रु है, तो थोड़ा बहुत वो तो रहता ही है दोनों में। थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, पर थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो प्यार भी बहुत रहेगा। हाँ, बहुत है बहुत है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और तो यही है, और ये चतुर्थ घर का जो स्वामी है ये भी शनि है, ये अच्छा भी इसमें बाबूजी जी, ये जो राहु और गुरु बैठ गए हैं, मतलब चंडाल दोष एक तरह से लग रहा है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई ऐसा राहु वगैरह की दशा जब आएगी तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके फैमिली में हो सकता है क्या? सेकेंड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड है गुरु, और राहु के साथ पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए राहु में गुरु, गुरु में राहु, इस तरह का कोई पीरियड आता है तो आप क्या एंटिसिपेट करते हैं? इस तरह का कुछ हो सकता है क्या इसमें? देखिए, मैं तो कहूंगा क्योंकि ये 10वें घर में है, जी और क्योंकि मैंने अपने अनुभव में देखा है 10वां और 11वां घर जो हमेशा अच्छा ही फल देता है, मतलब पैसे के कॉन्टेक्स में अगर बोले तो, मुझे ऐसा क्या लगता है, हो सकता है कुछ मनमुटाव आ सकता है राहु के वजह से। लेकिन हाँ, ये गुरु राहु का अभी फिलहाल तो एक वो इफेक्ट आता है कि तो जनरली उसका जो घर है ना उनका, तो वो क्या है, छोटे जगह में आसाम में, ठीक है, जी वहाँ पे जनरली ये सब ज्यादा है नहीं, केक वेक ज्यादा बनता नहीं है, तो ये बड़ा वो जैसे क्या बोले ना अंग्रेजी में, अनऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको, जो टिपिकल वो राहु का जो केक है कि जो, राहु राहु का इफेक्ट जी। हाँ, जो मतलब थोड़ा साधारण लोग जो नहीं करते, जैसे साधारण लोग क्या करेंगे, जैसा कोई हिंदुस्तान के किसी गांव में हो गया तो मे बी खीर बनाएंगे, या कोई ऐसा जो हमारी खुद की जो पकवान है वो बनाएगा ना, लेकिन ये केक वेक तो मैंने नहीं देखा है, इनफेक्ट कि गांव में कोई केक बनाता है भी तो प्रेशर नहीं, कुकर जी, वही मैंने बोला कि उस परिवेश के हिसाब से ये थोड़ा एक फैंसी फूड आइटम है। जी बनाता जी और इसका ऐसा भी नहीं है कि ऐसे बनाती, पूरा उसके पास मशीन है, एकदम इंस्ट्रूमेंट है, केक को ऐसे ऐसे घुमाए, एकदम प्रोफेशनली पूरा एकदम आइसिंग ऐसे लग जाएगा, मतलब मैंने देखा है ना, फोटो आता रहता है, मैं पागल हो जाता हूँ देख के।
जी एक्चुअली वो शी इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन, शी कैन बी, क्योंकि उनका शनि जो है देखिए स्वग्रही है लग्न में, और शनि बिजनेस तो बहुत अच्छा देता है, मेहनती भी होंगी वो निश्चित रूप से, बहुत मेहनती है। बाप रे, मंगल भी हो गया लगन पे, शनि मंगल साथ में बहुत मेहनती है, और एक स्वग्रही एक उच्चता है तो बहुत बढ़िया है। और ये मान लीजिए लगन आप कंसिडर करें तो ये तो मतलब ये तो महापुरुष योग जैसा हो गया, अगर आप उसको लगन लेते हैं ना, दो दो महापुरुष योग है लगन, हालांकि वो मंगल वाला ही ज्यादा काम करेगा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो ये हो गया, और अभी फिर हम चलते हैं दूसरे पे। जी।